अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है यहाँ पे लाइव प्रूफ हम आप सबको दिखा दें। यहाँ पे जो है हमको 1,60,000 रुपया का जो है लोन एलिजिबिलिटी मिला है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ईमेल के माध्यम से हमको जानकारी दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली जो है इस पैसे को अकाउंट में कैसे भेजना है, क्या प्रोसीजर होता है, इसका प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, इस वीडियो में हम पूरे बारीकी से बताने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप सबको वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक वॉच करना होगा। फाइनली जो है आप सबको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करती हैं, यहाँ पे जो है आपको अपना एक मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होना है। तो यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर चूज कर लेंगे, उसके बाद नीचे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे और नीचे जो है गेट OTP का ऑप्शन मांगता है, इस पर क्लिक कर आगे बढ़ जाए। फाइनली आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं, उस पर OTP भेजी जाती है, OTP को जो है डालकर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फाइनली प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपसे कुछ सारी जानकारी दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है लोन का सेक्शंस मिलता है, देख सकते हैं ऊपर में। यहाँ पे लोन पे क्लिक करेंगे, अगर आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कार्ड भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप पैसा भी जो है इस एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सुविधा जो है ये एप्लीकेशन आपको देती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल लोन जो है ये प्रोवाइड कर रही है 50 लाख तक का, ठीक है, वो भी जस्ट 3 मिनट के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे जो है हम पर्सनल लोन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले जो है हम लोन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। फाइनली लोन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है यहाँ पे पर्सनल लोन आता है, जो कि 50 लाख तक का इंस्टेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, 3 मिनट के अंदर जो है अप्रूव मिल जाएगी। तो फाइनली जो है यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे जो है कंप्लीट हमको 4 स्टेप को जो है फिल करना है, ठीक है। पहला जो है हम अपना कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद जो है हमको लोन ऑफर दिखाया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद जो है अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्ट इस पैसे को हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशन पूछा जाता है कि आप करते क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है बिजनेस ओनर आता है, डॉक्टर आता है, CA CS CWA आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सैलरीड एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे हम सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो है हमको डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं दिखाता है तो आप जो है फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे, उसके बाद जो है नीचे 3 बॉक्स मिलता है, 3 बॉक्स को टिक रहने देंगे और उसके बाद जो है नीचे आपको प्रोसीड का बटन मिलता है, प्रोसीड पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब देखो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो है लोन अमाउंट पूछा जाता है कि आप कितना रुपया लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं 40,000 रुपया, ठीक है, 40,000 रुपया फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो है पैन कार्ड का नंबर दिखाता है, अगर आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे नहीं शो कर रही है तो यहाँ पे जो है आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है, सिंगल है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है करेंट एड्रेस आपका जो होता है, जो पिन कोड आप फिल किए होंगे उसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट कर लेगी। अब यहाँ पे पूछा जाता है एम्प्लॉय कैटेगरी, ठीक है, कौन से काम आप करते हैं। तो यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर आ जाता है, प्रोपर्टीशिप आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में वर्क करते होंगे यहाँ पे आपको जो है अपना चूज करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है आपको कंपनी नेम फिल करना है, ठीक है, किस कंपनी में आप जॉब करते हैं अपना कंपनी नेम फिल करेंगे, या आप खुद का बिजनेस होगा तो यहाँ पे खुद का बिजनेस का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम टिक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने चैनल का नाम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है नेट मंथली इनकम पूछा जाता है कि आप जो है महीना में कितना रुपया कमा लेते हैं। यहाँ पे जो है हम फिल कर लेते हैं 40,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है पर्सनल ईमेल आईडी, यानी कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कोई देना है जिसपे कोई मैसेज जाए तो वो आपको मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल कर देंगे, उसके बाद नीचे सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे क्लिक कर आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका लोन जो है अप्रूव किया जा रहा है, यहाँ पे आपको कितना रुपया लोन मिलने वाला है आपके सिविल के अनुसार जो है यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद जो है आपका जो भी यहाँ पे लिमिट होता है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन अभिमनु, आपका लोन अप्रूव जो है यहाँ पे 2,50,000 रुपया हो गया है, ठीक है, जो कि 48 मंथ तक का जो है EMI आप ले सकते हैं। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे जो है आपका कंपनी दिखा रहा है कि कौन सा कंपनी जो है हमको लोन फाइनेंस किया।
यहाँ पे आप देखेंगे एलटी फाइनेंस एप्लीकेशन जो है हमको 2.5 लाख तक का लोन ऑफर कर रही है, ठीक है, जो कि ईएमआई हमारा 7227 रुपया का आएगा, इंटरेस्ट रेट जो है 17% का आएगा और टर्नओवर मंथ जो है 48 मंथ का मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है तो फाइनली जो है यहाँ पे गेट इट नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। वहीं आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट भी जो है 42597 रुपया जो है हमको लोन ऑफर कर रही है, जो कि मेरा ईएमआई किस्ती जो है 2045 रुपये का आता है, इंटरेस्ट रेट 14% का आता है और टर्नओवर मंथ जो है 24 मंथ तक का मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काफी सारा लोन एप्लीकेशन जो है हमको यहाँ पे लोन ऑफर कर रही है। यहाँ पे स्मार्ट कॉइन्स एप्लीकेशन है जो कि 1 लाख तक का जो है लिमिट हमको दे रही है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपका सिविल होगा उसी हिसाब से जो है यहाँ पे आपको लोन ऑफर्स किया जाएगा। अब जितना भी लोन अमाउंट में आप कंफर्टेबल है आपको यहाँ पे जो है अपना लोन अमाउंट चूज कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम 42,000 रुपया चूज करते हैं क्योंकि हमको जो है यहाँ पे लोन की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कंप्लीट लोन अप्लाई करके जो है प्रोसेस आप सबको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो है 42,000 रुपया चूज कर लेते हैं। फाइनली जो है यहाँ पे हम क्रेडिट भी को सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट इट नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो हमको जो है लोन अमाउंट पूछा जाता है, लोन अमाउंट फिल करेंगे, कितने दिन के लेना चाहते हैं यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट बी का जो है सारी चीज यहाँ पे दिखाया जाता है, इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि यही जो है आपका ईएमआई पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है गेट नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली इस पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है एडिशनल डिटेल जो छूटा था वो हमको फिर से यहाँ पे फिल करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है आपको अपना जेंडर चूज करना है, जेंडर चूज करके नीचे जो है कन्फर्म का बटन मिलता है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फाइनली कन्फर्म पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है फिर से आपको आगे भेजा जाता है और यहाँ पे जो है आपको 60 सेकंड तक रोकने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 सेकंड तक आप रुकेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कैंग्रेचुलेशन यानी कि आपका लोन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अप्रूव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ पे आने के बाद जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको ओपन का साइन मिलेगा, ओपन पे क्लिक कर आगे बढ़ना है। पेज जो है थोड़ी देर लोडिंग लेती है, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है। लैंग्वेज चूज करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है आपको अपना लिमिट दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पहले ही लिमिट मिल गया है जिसके चलते जो है यहाँ पे नीचे साइन अप का ऑप्शन मिलता है, साइन अप पे क्लिक करेंगे हम। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो नंबर से हम अप्लाई किए थे वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जा रहा है, ओटीपी को जो है यहाँ पे हमको फिल करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके जो है इस पैसे को इंस्टेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम अपना मोबाइल का मैसेज बॉक्स ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है क्रेडिट भी से जो है हमारे पास मैसेज आ गई है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट हमको बैंक अकाउंट ऐड करना है और इस पैसे को जो है इंस्टेंट हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाए हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे तो 100% जो है आप सबको पता लग गया होगा कि यहाँ से जो लोन अप्लाई कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बट यहाँ पे हम 100% उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। तो प्लीज वीडियो को 1 लाइक जरूर करिएगा।